कल तक जितनी बात हुई थी उसके बाद करेंगे फिर चर्चा को आगे। हम लोगों ने डे वन से चर्चा शुरू किया था कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य को पहचाना सुखी होना समृद्ध बना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हम कुछ करने का प्रयास करते हैं, बन जाएंगे कुछ करते हैं, कुछ पाते हैं, उससे सुखी और समृद्ध होते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात निकला था कि हमें से बहुत सारे लोगों ने इस बात को ये करना चाहते हैं, तो महत्वपूर्ण बात ये निकला था कि हमने कहा था कि जो भी आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, ये आप ही चाहते हैं या किसी को देख कर बनने की इच्छा आपके आगे पहचान से कोई अपने काम का पहचान ये है। अगर आप ही चाहते हैं तो उसका प्रयास करने का मन भी आपका करता है, किसी दूसरे को दबाव नहीं डालना पड़ता कि आप ये करो। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए जो जो आवश्यक है उसको करने का प्रयास आप स्वतः ही करते हैं। माता जी को पिता जी को शिक्षकों को माता आपको कहना नहीं पड़ता कि ये करो नहीं करो, लेकिन बड़ी इच्छा आपको रहती है कि किसी को देख के आपके भीतर बैठ गई तो इच्छा तो बनी रहती है लेकिन प्रयास करने का मन नहीं है। माँ बाप को टोकना पड़ता है, नाना शिक्षकों को टोकना पड़ता है, डांटना पड़ता है, बहना पड़ता है, लालच देना पड़ता है, तब आप कुछ करते हैं। वास्तव में अगर आपने वो अपने मन से कह दिया है तो फिर किसी और को नहीं कहना, आप खुद से करते हैं। कल आपने खुद अपने मन से कह दिया कि हम ये बाबा से क्यों बनाएंगे, आप किसी और को बार बार आपको नहीं टोकना पड़ा कि आपने बनाया दीदी बनाया क्या किया, आपने यहाँ बनाया तो घंटे जाके बनाया थोड़ा आधा अधूरा रह गया, यहाँ आके फिर बनाने लग गए, क्लास चल रही है कुछ और आप नहीं बनाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी और ने नहीं तय करवाया बल्कि आपने अपने मन से तय किया कि हम ये बनाए, तो आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही अगर हमने आपसे कह दिया होता ये नहीं आपको ये बनाना है तो जितना मन से आप कल बनाए घर जाके बनाए घर बना रहे हैं आप नहीं बने, आपको घर में याद दिलाना पड़ता है, जहाँ याद दिलाना पड़ता है, चार बार कहना पड़ता है, तो आप कुछ कुछ बनाए। इसलिए ठीक से सजग होकर जांच लेना आवश्यक है कि लक्ष्य आप ही ने तय किया है कि नहीं कि क्या बनना है। अगर वास्तव में आपने तय किया है तो उसके लिए जो प्रयास है वो करने का जो आपका मन करता है वो स्वयं से करता है, किसी और को बार बार उसके लिए आपके पीछे दौड़ना नहीं करता, ये पहचान है। अगर जिस काम को बनने का आपने तय किया है किसी को बार बार याद दिलाना पड़ रहा है तो फिर भ्रम है कि आपने तय किया है, कहीं से देख के आपके भीतर बैठ गया है, और ऐसी जगह आप बन भी गए पहुंच भी गए ना फिर भी बेचैनी बनी रहती है क्योंकि वो आपका मन नहीं था, कहीं और से आके आपके मन में बैठ गया था, आपने जिंदगी को विस्तार लगा के वहां पहुंच गए हासिल कुछ नहीं। इसलिए सतर्क होकर इसको जांच लेने की आवश्यकता है कि वास्तव में जो मानना चाहते हैं आप वो आपने तय किया है या किसी को प्रभाव में आके आपने तय किया, और आपने तय किया तो पहचान नहीं होगा क्या उसका प्रयास करने का स्वतः आपके तरफ से एक प्रयास को उसमें आप स्वतः करेंगे, किसी और को उसमें बार बार देखने की आवश्यकता नहीं। बात समझ में आती इसका उत्तर आप हमें चाहें कुछ भी दिन उसे फर्क नहीं पड़ता। हमको कुछ भी उत्तर दे क्लास में कुछ भी बोलने से बहुत आपकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लक्ष्य अगर किसी और का देख के आपने दूसरे के प्रभाव में आके तय कर लिया तो उससे आपकी जिंदगी में फर्क सकता, और अपने मन से तय किया है तो उससे भी आपकी जिंदगी में फर्क सकता। तो मैं तो खाली संकेत बता सकता हूँ वास्तविकता को आपकी जांच के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये फिर आगे बात करूँगी कि हम बड़ा सुखी समृद्ध चाहते हैं तो क्या सिर्फ सुविधाओं पे काम करके सुखी समृद्ध और उसके निरंतरता पर पाया जा सकता है? क्या क्या आप करना पड़ेगा सब सुविधा के साथ संबंध भी और समय, क्योंकि हमारी जिंदगी में कितने तरह के दुख है एक तरह सुविधाओं के अभाव में होने वाला दुख एक तरह का, संबंध के अभाव में होने वाला दुख दूसरे तरह का, समझ के अभाव में होने वाला दुख। संबंध के अभाव में जैसे आप किसी का हमारा अपमान कर दिया तो इस किसी के साथ विश्वास टूट गया है, आप कितना भी एयर कंडीशन कमरे में लगा दीजिए कितने भी फ्रिज खरीद के रख लीजिए उससे सम्मान और विश्वास तो जुड़ने वाला नहीं, वो तो आपस में जब भाव नहीं होगा चर्चा होगा
संबंध में समय लगाएंगे तो ही तो जो भाव टूटने का दुख हुआ वो तो भाव ठीक करके ही होगा, उतना भी सुविधा लगाने से नहीं होगा, तो दूसरे तरह का होगा। सुविधा के अभाव में खाने की दिक्कत है, गर्मी हो रही है, फ्रिज नहीं है, ये सुविधा के अभाव में ये कल बात साथ में पूछने की फिर आपको निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, तय नहीं कर पा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कल वो कर रहे हैं, ये भी बुरी होने का कारण है। ये तो किससे दूर होगा, सही समझ। आप इतनी बड़ी कार से उतर रहे हैं लेकिन समझ नहीं है कि क्या करना है, तय कर पाए तो कितनी बड़ी कार से उतर जाइए वो दुख बना है। तो तीन तरह के होंगे, कौन कौन से, सुविधा के अभाव हो, समझ के अभाव में हो, और तीनों दुख को सिर्फ सुविधा से दूर नहीं किया जा सकता, सुविधा वाले को सुविधा से किया जा सकता, संबंध वाले को समझ वाले को ऐसी हमारी जिंदगी में तीन दिशाएं, सुविधा संबंध और तीनों दिशाओं में विकास होना है। ज्यादा सुविधा आवश्यक सुविधा से अधिक हमारे युद्ध भी हो सके, परिवार और आस पास के लोगों के साथ संबंध में जिम्मेदारी हो सके और अपने बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, पूरी प्रकृति के बारे में सही समझ भी हो सके, तीनों काम आवश्यक है, तीनों में किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। दुर्भाग्य से हम किसी एक काम पर ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं, आज के दिन वो कौन सा वाला काम है, बाकी जो छूटते जा रहे क्यों छूटते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने ये मान लिया है कि हमारे पास खूब ज्यादा सुविधा हो जाएगी तो जिंदगी खूब सुखी हो जाएगी। आप चाहे आप बिना पंखे पे बैठ के झगड़ा, पंखे के बिना बैठ के झगड़ा करिए, या चलते हुए पंखे के नीचे बैठ के झगड़ा करिए, या एयर कंडीशन कमरे में बैठ के झगड़ा करिए, तो झगड़े से तो संबंध खराब होता है, उसका दुख तो एयर कंडीशन वाला भी भोगेगा और बिना पंखे वाला भी भोगेगा, उसको भी पंखा या एयर कंडीशन या कूलर से दुख नहीं कर सकते, उसके लिए तो संबंध ठीक करना पड़ेगा। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि हम सुखी होना चाहते हैं, निरंतर सुखी होना चाहते हैं, उसके लिए विभिन्न तरह के दुख है उसको दूर करने का उसी विधि से उपाय करना पड़ेगा, सुविधाओं का सुविधा से, संबंध वाले का संबंध से, समझ वाले का समझ से। अब आपको भूख लगी है, आप कहें भोजन दे, हम कहें सम्मान तो दे रहे ना, भूख दूर हो जाएगी, आपको भूख लगी है लंच में, हम बैठ के समझाने का काम शुरू कर दें, भूख दूर हो जाएगी, आप कहते हैं सर भूख लगी है, रुकता अभी का पहले सब भूख लगी है तो ये काम किससे दूर होगा, सुविधा से, लेकिन कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा, आप प्रश्न पूछे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, मैं चावल खा लो, आप कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, हमको काम करना है तो हम क्या बिस्किट खा लो, समझ वाला समस्या दूर हो जाएगा, उसके लिए तो समझ में काम करना पड़ेगा। तो ये बात तीसरी दूसरी बात है कि जिंदगी में कितने तरह के दुख है, तीनों तरह के दुख को तीन विधि से दूर किया जा सकता है, मात्र किसी एक विधि से बाकी दो दुख दूर, जिंदगी में क्या बड़ी जल्दी कर रहे हैं, एक ही तरह से तीनों दुखों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें हमारा परिवार असफल हो, ये बात समझाई। ये दूसरी बात, तीसरी बात ये हुई कि हमारे परिवारों में बहुत सारा दुख है, उसमें से कुछ दुख के सुविधा के अभाव में, लेकिन बहुत सारे दुख ऐसे भी हैं जो संबंध के अभाव में, हमने पूछा कौन सा वाला दुख हम ज्यादा भेद दें परिवार में, संबंध का, और समय और प्रयास ज्यादा कहाँ लगाते हैं, पूरा घर को मेहनत करता है जबकि आवश्यकता है सुविधा पे भी समय लगना है लेकिन संबंध आपको पास में बैठना है किसी और तरफ से, या आप बाहर बैठे हैं, हाँ हाँ बैठे हैं,
सभी क्लास में लोग उतना अवॉइड कर सकते हैं, उससे ज्यादा गहरा काम करना है। ये दो बात समझ गया है, परिवार में समझ और सुविधा और संबंध दोनों के अभाव में आदमी कुछ होता है ज्यादा, तो किससे के अभाव में ये है ज्यादा मेहनत किस पे कर रहे हैं सुविधा, जबकि दोनों में संतुलन आ सकता है। ये दूसरी बात है, फिर आगे जो हम पढ़े तो ये बात कह जाते हैं कि हमारे जिंदगी का लक्ष्य तो है सुखी होना, सफल होना, ये लक्ष्य पूरा कैसे होगा, हमारी जिंदगी का भी पूरा फैलाव है। क्या है फैलाव? मानव की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, चारों की व्यवस्था को समझ कर जब व्यवस्था में जी पाते हैं तो निरंतर आपकी कल्पनाशीलता को देखेंगे, या तो आपके बारे में चल रही होगी, या परिवार या परिवार या दोस्तों के बारे में चल रही होगी, या समाज के बारे में चल रही होगी, या प्रकृति और अस्तित्व के बारे में। चार चीज के अलावा पांचवी किसी चीज के बारे में कल्पना चिंता करिए, क्योंकि इतना ही जीने का हमारा फैला तो कल्पना चिंता भी इतने में चलती है, जीते भी हमें इतने में, बात समझ में आती है। इसलिए निष्कर्ष ये बनता है कि चारों को समझना होगा या चारों को किसी को छोड़ना होगा, चारों को समझ कर चारों का जो साहस स्वीकार है जो हार नहीं है वैसा जी पाते हैं। सुख का मतलब क्या था, सुख को समझा था लोगों ने, साहस वृद्धि के भाव में जीना, हार्मनी में जीना, चारों स्तर की हार्मनी को समझकर हार्मनी में जीना, सुख की परिभाषा। समृद्धि के बारे में भी समझा था कि हमारी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक जब हमको अपने में लगता है तो जो हम भाव हमारे भीतर आता है उसी को क्या कहा था, समृद्धि। हमारे पास 15 पेन है, 6 पेन की आवश्यकता है, तो हमको ये जो अधिक लग रहा है पेन के केस में यही हमारे लिए क्या है, पेन है समृद्धि का, इसको समझा था आप लोगों को। समृद्धि के दौरे क्या हो रही है, आवश्यकता दो चीज होती है, हमारे पास कितनी आवश्यकता है और कितनी है, दोनों को समझने की जरूरत है समृद्धि की। आप कितनी है घर में उसको कितनी पहचान है, कितनी आवश्यकता है उसको कितनी पहचान है, और चलिए करने लगे रहते हैं तो जो बात मिलती ना कि गिलास की पेंदी टूटी हुई है और हम उसको पानी भरना चाह रहे हैं, पूरे परिवार के लोग मिलकर जग से जग डाले जाए भरेगा गिलास, तो उसकी तेजी लग जाए तो भरेगा। कैसे घर में हमारे पास कितने जोड़े कपड़े हैं हमको ये भी नहीं पता, कितने जोड़े कपड़ों की आवश्यकता है ये भी नहीं पता, बाजार जाते हैं तो मन करता रहता और खरीद, तो तेजी टूटी हुई है। तो घर में दो बातों के लिए झगड़ा इंसान होता रहता है, क्या पहने कपड़ा नहीं समझ में आ रहा और कपड़ा कहाँ रखे रखने की जगह, फिर क्या कार्यक्रम निकला था, अब हमको क्या करना होगा, मानव की व्यवस्था को समझना होगा, परिवार की व्यवस्था को, समाज की व्यवस्था को, प्रकृति और अस्तित्व की व्यवस्था। हम लोग बात कर रहे थे चारों व्यवस्था को, चारों पहले किसको समझेंगे, फिर
क्या, क्योंकि उसमें क्या सही है क्या गलत है तय नहीं कर पाओ। तो अपने को समझते हैं, अपने को समझने के लिए देखा हमारी आवश्यकता दो तरह की है, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, काम चाहिए, घर चाहिए, एक तरह की आवश्यकता, सम्मान चाहिए, विश्वास चाहिए, स्नेह चाहिए, ममता चाहिए, सुख चाहिए, ये दूसरे तरह की आवश्यकता। एक तरह की आवश्यकता हम देख पा रहे, छू पा रहे, भाग रख पा रहे, दूसरे तरह की आवश्यकता देख नहीं पा रहे, छू नहीं पा रहे, आगे तक नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी आवश्यकता तो है, बिना विश्वास सम्मान को भी सकते हैं। ये आवश्यकता जो कपड़ा घर गाड़ी में किसकी आवश्यकता है, शरीर की, और संवाद विश्वास में किसकी आवश्यकता है, तो दो तरह की। और ठीक से देखा क्या बात समझ आई कि शरीर की जितनी भी आवश्यकता है इसकी संख्या क्या है, हम दो रोटी खाएंगे, दो दो केला खाएंगे, छह पानी खाएंगे, उसकी संख्या तय हो सकती है, लेकिन हमको दो किलो विश्वास चाहिए, एक किलो सम्मान चाहिए, एक लीटर से तय हो सकता है क्या, इसमें संख्या की बात है, इसमें निरंतर कारण यहाँ संख्या में सीमित। समय के साथ देखेंगे तो जितनी भी शरीर की आवश्यकता है, आप कहते हैं भूख लगा लो कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, ठंड लग रही है तो कपड़ा चाहिए, ऐसा आवश्यकता पड़ने पर शरीर की आवश्यकता की, लेकिन सम्मान के लिए कभी कहते हैं क्या भूख लगा सम्मान के लिए, सम्मान की आवश्यकता कभी कभी है, निरंतर विश्वास की आवश्यकता, स्वयं की आवश्यकताएं हैं वो हमें निरंतर, शरीर की आवश्यकता है समय समय, शरीर की जितनी आवश्यकताएं हैं स्वाभाविक है, मेरी आवश्यकताएं स्वयं की आवश्यकताएं ऐसी है, शरीर की जितनी भी आवश्यकता है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी हो जाए, लेकिन जो स्वयं की आवश्यकता है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से नहीं पूरी होती, बल्कि किससे पूरी होती है, सही समझ और सही मन में भाव आएगा तो स्वयं की आवश्यकता किससे पूरी होगी, सही समझ और सही। फिर बात कि जिस तरह से शरीर में कुछ क्रिया करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, चलना, खाना, दौड़ना, खेलना, ये सब किसकी एक्टिविटी है, शरीर की, स्वयं के लिए कुछ एक्टिविटी, चलना, सुनता, शरीर को भी स्वस्थ हो रही है, इच्छा, विचार, आशा, क्या हो रही है, स्वयं शरीर की जितनी क्रियाएं हैं वो कभी कभी दिन भर खाते रहते हैं, कभी कभी खाते हैं, वो सामान्य क्रिया है, चलता चिंता हमेशा करती रहती है, शरीर की आवश्यकता सामायिक है समय समय पर, क्रिया भी सामायिक है समय समय पर, और शरीर भी सामायिक है। तो दो तरह की वास्तविकताओं से हम लोग बने हैं, एक को कहा जड़ और दूसरे को कहा चेतन। आप लोगों ने स्वयं की व्यवस्था को समझा, स्वयं में इच्छा विचार आशा है, कल्पना चिंता है, और ये कल्पना चिंता भी हमको सुखी दुखी करता है, अभ्यास भी कर रहे होंगे कि कल्पना चिंता हमारे भीतर तीन जगहों से आता है, एक संवेदना से, आंख से, नाक से, कान से, त्वचा से, जीभ से, मन से आता है, दूसरा मान्यता से, तीसरा सहज से, मान्यता और संवेदना से आ रहा है, हमारी कल्पना से इंसान को व्यवस्थित करता है कि अव्यवस्थित सुखी हमेशा बने रहेंगे, सहज की हालत से सुखी बने रहेंगे निरंतर, फिर शरीर के साथ व्यवस्थापित क्या करता है, शरीर के स्वास्थ्य आवश्यक, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य के लिए मैं स्वयं के संयम का भाव होता है, स्वास्थ्य को कैसे पहचानेंगे कि मेरा शरीर मेरे स्वयं के अनुसार कार्य कर रहा है, और शरीर के जो अंतर प्रत्यंग है उनमें एक व्यवस्था बनी है, लीवर हाथ पैर सब एक व्यवस्था बनी हुई, हमको ये शरीर व्यवस्थित प्रकृति द्वारा मिलता है, हमारी जिम्मेदारी क्या है उसकी व्यवस्था को बनाए रखना, हमको हड्डियां जोड़िए व्यवस्थित नहीं करनी पड़ती, एक व्यवस्थित शरीर मिलता है, हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि शरीर के भाव से शरीर का ऐसा ध्यान रख सके कि पूरे समय ये व्यवस्था बनी है, पशुओं को भी ये शरीर मिलता है वैसे ही व्यवस्थित, तो हमने पूछा था कि पशु ज्यादा अपने शरीर को व्यवस्थित रख पा रहे हैं कि हम रख पा रहे हैं, पशु रख पा
लेकिन का पशु ज्यादा व्यवस्थित रख पाता है, आप ज्यादा रख पा रहे हैं और कट पा रहे हैं, पशु ज्यादा रख पा रहे, क्यों? क्योंकि आपने गाना सुन लिया है जी भर के खाओ और आर्मुदा से बचा, आपने गाना सुन लिया है तो आप जी भर के रखते पशु ने तो गाना सुना है, सुना भी होगा तो उतना ही खाता है जितनी उसकी आवश्यकता। हम आप इस गाने से भी खाते रहते, खाते रहो, पकाएंगे दवाई खा के, तो शरीर की व्यवस्था को बनाए रखना दवाई जब एकदम पूरा हो पाता है, जब हमने संयम का संयम के भाव का क्या मतलब है कि मैंने खुद अपने शरीर के पोषण की और संरक्षण की और सदुपयोग की जिम्मेदारी स्वीकार रखी। अपनी की जिम्मेदारी नहीं है कि रोज हमको ध्यान दिलाए कि शरीर का पोषण करो, खाओ ये देखना हो ये पहनो ये नहीं पहनो, मम्मी बार बार ध्यान दिलाने तो मम्मी की जिम्मेदारी स्वीकारी है, आप नहीं स्वीकारी, आपको बाहर जाओ तो ठंड हो स्वेटर उतार के भेज दो, या स्कूल से जाते हो स्वेटर यहीं छोड़ के चले जाओ और रास्ते में ठंडी पा जाओ, ये जिम्मेदारी आपने अपने शरीर के लिए नहीं स्वीकारी, माता जी तुम्हें स्वीकार रखती है। तो संयम का भाव आपने हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो फिर आपको खाली होता है, क्या खाना है, कितना खाना है, कितना करेंगे, या माता जी को ही टोकते रहना पड़ेगा ये खाओ छोड़ दो, तो फिर संयम का भाव आपने छोड़ दिया। संयम का भाव होगा तो शरीर को क्या पहनाना है, कब क्या पहनाना है, क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, खुद उसको बताए। संयम का भाव होना आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है? मानव में व्यवस्था के बारे में तो ये बात पूरी कर दी हम लोगों ने, परिवार में व्यवस्था पर चर्चा की, बात ध्यान में आई थी परिवार को व्यवस्था बनाए रखने के लिए मम्मी कुछ तरह का काम करती है, पापा किसी तरह का करते हैं, भैया किसी तरह का करते हैं, चाचा दादी कुछ और करते हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, जैसे मम्मी खाना बना रही, पापा चलाने के लिए सिर्फ सुविधाओं का लेन देन भी आवश्यक है या भाव का लेन देन भी आवश्यक है? इस बात को हमने समझा था कि जब हम किसी को सम्मान के साथ भोजन परोसते हैं और बिना सम्मान के धक्का देके परो देते हैं लेखा, तो दोनों का अंतर समझ में आता है, एक में सुविधा और भाव दोनों है और दूसरे में सिर्फ सुविधा और भाव। परिवार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुविधा का लेन देन भी आवश्यक है और ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा? और आज के दिन हम ज्यादा ध्यान परिवार की व्यवस्था के लिए ऊपर दे रहे हैं, इसलिए परिवार की व्यवस्था बनाए रखना। अगर आप इसे परिवार में ज्यादा लोग रोटी कम मिले इससे बहुत कम बात दुख होते हैं, दुखी होते हैं, उनका समाज में कष्ट लग गया इससे ज्यादा दुखी होते हैं, सामने वाले ने उसको नहीं समझा इससे ज्यादा दुखी होते हैं। अच्छा, हम परिवार के लोगों का सम्मान करना नहीं चाहते ऐसा थोड़े, विश्वास करना नहीं चाहते ऐसा थोड़े, हमको विश्वास सम्मान ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए निरंतरता को नहीं दूर प्रयास तो करते ही लेकिन समझ में नहीं आया तो कभी कर पाते हैं और कभी नहीं कर पाते। परिवार के लोगों के साथ भी ऐसा ही, विश्वास सम्मान रखते तो रहते हैं लेकिन बिना समझे रखते रहते हैं, समझने का काम तो शुरू किया तो पता लगा कि विश्वास भाव एक शब्द बहुत गहरा भाव, क्या भाव है? हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह से मैं सुखी समृद्ध होना चाहता हूँ और सुखी समृद्ध होकर दूसरे को भी सुखी करना चाहता हूँ, योग्यता होती है तो कभी कर पाता हूँ, नहीं होती है तो लेकिन मैं अपने लिए देख लेता हूँ कि मेरा चाहना तो ठीक है, योग्यता कम है इसलिए नहीं कर पाता, इसलिए उसे खराब ही है। लेकिन दूसरा आदमी है जब उससे गलती होती है तब हमको ये नहीं लगता कि उसका चाहना अलग है और उसका योग्यता अलग है, हम उसकी योग्यता की समस्या को उसके चाहना की समस्या मान के उसके सत्ता करते हैं। उदाहरण दिया था कि घर में कभी आप दूध उबाल रहे हैं और गिर गया तो आप कहते हैं दूध गिर गया, अब कोई दूसरा उबाल रहा है गिर जाकर आप बोलते हैं इसने दूध गिरा दिया, तो आप अपने लिए तो कहते हैं कि भाई ये गिरा नहीं चाहता था, मेरे गिरा दूध की ताकत पड़ गई परिस्थिति के साथ नहीं गिरा, दूसरे के लिए क्या कहते हैं इसने गिरा दिया मतलब जानबूझ के गिरा दिया, मतलब सबका कहा किया उसके
किस तरह की गलती बार बार करना, ये गलती दूसरे से नहीं है, ये गलती कहाँ है, हमारे मूल्यांकन, हमारे विवेक करने क्या होगा। तो विश्वास के बारे में, फिर हम लोगों ने सम्मान के बारे में बात की, क्या बात करें सम्मान के बारे में, सही सही आकलन को क्या कहा, गलत आकलन को क्या कहा, तो तीन तरह के गलत आकलन हैं, किसी को बढ़ा चढ़ा के आकलन कर देना, अरे तुम तो अनोखे हो, तुम्हारे जैसे बच्चे तो कभी कभी स्कूल आते हैं, तुम क्लास के साथ हो ना हो ना, जिससे तुम क्लास नहीं आती हो या सुना सुना लग रहा है, ये सब क्या होगा, किसी ने दो लाइन बोल दिया कि कल तो नहीं आएगी क्लास, बहुत अच्छा लग रहा था, झगड़ा नहीं हो रहा था किसी से, अब कौन सा वाला हो गया, कम का, अधिक बोलेगा कम बोलेगा, अधिक बात करेगा कम, अन्यथा आप लोग भी कर देते हैं, कभी कई बार लोग किसी को चीजें बोल देते हैं, आगे ये सही आंदोलन है, अन्यथा आंदोलन है, अन्यथा ये भी क्या है, अपान है, अपान है, इस तरह का तीन तरह का अपमान करते हैं, तो लोग पूजा बोलते हैं, तो कोई एक समय बाद हाथी बोलना शुरू कर देता है, तो मतलब साथी वाले को लगता है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चूहे हाथी को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये बात ध्यान रखना है, सम्मान अगर किसी का सुनिश्चित कर दिया तो शरीर के आधार पर सम्मान होगा कि स्वयं के आधार, स्वयं के आधार पर सम्मान को समझने गए तो ये बात समझ में आया, जैसा मेरा लक्ष्य वैसा ही दूसरे कार्य होगा, समझ कर सही, समझ कर सही नहीं करते तो सुखी होता हूँ, सुखी होता है सही समझ के, तो सुखी होने का कार्यक्रम भी एक देता है, सुखी होने का लक्ष्य भी एक, और मेरी कल्पना चिंता भी निरंतर चलती है, दूसरे की कल्पना चिंता भी निरंतर, इसलिए जो क्षमता है वो भी कैसी है, हम जैसे कोई ऐसा है जिसकी कल्पना चिंता निरंतर नहीं चलती, निरंतर चलती है, अरे मैडम तो हम लोग सम्मान को समझने का काम कर रहे हैं, तो सम्मान स्वयं के आधार को और स्वयं में तीन बातें, जैसा मेरा लक्ष्य है वैसा ही, जैसा मेरा कार्यक्रम है सुखी होने का वैसा ही दूसरे, जैसी मेरी कल्पना चिंता चलती है वैसे ही दूसरे, तो सही समझने सही जीने की क्षमता मेरी कल्पना चिंता आपकी भी वही है, तो हम सब लक्ष्य में एक जैसे है, कार्यक्रम में भी एक जैसे है और क्षमता में भी, इसलिए ये दूसरा भी शरीर में छोटा है बड़ा है लंबा है चौड़ा है गोला है सांवला है काला है, लेकिन लक्ष्य कार्यक्रम क्षमता में कैसा है, तो जब तक उसको अपने जैसा स्वीकार के बाद शुरू रहता है यही उसको अपने लिए कैसा लगता है सम्मान, और जब मैं भेद करता हूँ ये छोटा है ये बड़ा है ये लड़की है ये लड़का है ये काला है ये गोरा है ये बलशाली है ये कमजोर है ना ये मेरे घर का है नहीं, ये सब भेद करता हूँ, ये भेद सम्मान है कि अपमान है, आज के दिन हम सम्मान करते समय दूसरे को अपने जैसे निकाल पाते हैं या सम्मान के नाम पर कई बार भेद करते हैं, सम्मान के नाम पर कई बार भेद करते हैं, और ये जो भेद कर रहे हैं ये दूसरे को स्वीकार, इसलिए अपमान हो गया उसका, फिर से लड़ाई शुरू कर दी और अपमान हो गया, तो मान अपमान सम्मान जो हम ऐसे कुछ बोलते रहते हैं ना लोगों का,
और वो लोग इसी सम्मान अपमान के चक्कर में आए इसी तरह का इतिहास में भी और आज के भी ज्यादातर झगड़े इसको लेके होते हैं हम बिल्कुल भी सजग नहीं रहते कि हम जो बोल रहे हैं उससे दूसरे का सम्मान हो रहा है कि हमारे को इतिहास को माना हमारे जिंदगी में भी दोस्तों के साथ भी और इसलिए बहुत सहज तो लगता है कि हम अपने आप दूसरे को गिना लिया लेकिन हमारा भी होता है और वो अपमान जिसका होता है वो जिंदगी भर के लिए काम करता है 20 साल बाद 15 साल बाद 18 साल बाद हमेशा एक जैसे ही करनी है तो सम्मान अपमान के बारे सजग रहना आवश्यक है या चाहे जैसे बोलते रहेंगे स्नेह के बारे में चर्चा की स्नेह का मतलब था दूसरे को संबंधी के रूप में शर्तों के साथ बिना शर्तों के बारे में बात के संबंधी के शरीर की विभूषण और संरक्षण का क्या सहज स्वीकार सिर्फ विशेषज्ञ होगा कि श्रेष्ठ होगा श्रेष्ठता और विशेषज्ञता दोनों आवश्यक है लेकिन पहले क्या आवश्यक है इंजीनियर बन पाए डॉक्टर भी बन पाए पुलिस भी बन पाए तभी हम आर्मी के लिए काम करेंगे नहीं तो डॉक्टर इंजीनियर पुलिस बन के हम इस आर्मी भी फैला सकते हैं आपके लिए क्या है विशेषज्ञ होना भी आवश्यक है लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है श्रेष्ठता को अपने भीतर सुनिश्चित हम लोगों ने गौरव को भी समझाया कि जिन्होंने भी कार्य स्तर की व्यवस्था को समझने का जीने का प्रयास किया है उन सबके प्रति हमारे अंदर सुधीर का भाव हो और स्वभाव है कल तक की बात आज हम लोग कृतज्ञता और प्रेम के बारे में ढेर बात करेंगे फिर समाज में व्यवस्था और प्रकृति में व्यवस्था को यात्रा हम लोग 10 बजे वापस आएंगे।